फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि नीडलेस टू से क्या है। आप कहते हैं कि अक्सर मैं सुनता हूँ नीडलेस टू से, बट नहीं समझ पाता कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, नीडलेस टू से का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है, यानी हम नीडलेस टू से का इस्तेमाल तब करते हैं जब को कहना हो। इट इज ऑब्वियस या इट इज क्लियर, यानी जाहिर सी बात है, या यह सबको पता है, या इसमें कहने वाली कौन सी बात है। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, तो फिर आप कह सकते हैं नीडलेस टू से आई शेयर योर वीडियो, यानी इसमें कहने वाली कौन सी बात है, मैं आपकी वीडियो को शेयर करता हूं। या फिर इस सेंटेंस का मीनिंग ये भी हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आपके वीडियो को शेयर करता हूँ, कहने की जरूरत नहीं कि वो पंक्चुअल है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नीडलेस टू से ही इज पंक्चुअल, यानी ये कहने वाली कौन सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि वो पंक्चुअल है, कहने की जरूरत नहीं कि मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नीडलेस टू से आई स्टिल लव हर, यानी इसमें कहने वाली कौन सी बात है, ये जाहिर सी बात है, सब इस बात को जानते हैं कि मैं अभी भी उसे लव करता हूँ। कहने की जरूरत नहीं कि आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लिया है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नीडलेस टू से यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश, कहने की जरूरत नहीं कि यह एक अच्छा वीडियो है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नीडलेस टू से दिस इज अ यूजफुल वीडियो, या नीडलेस टू से दिस इज अ गुड वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो इसमें कहने वाली कौन सी बात है या कहने की जरूरत नहीं है, ये बात तो ऑब्वियस है, जाहिर है, क्लियर है, सबको पता है, तो इस तरह के जज्बात को बोलने के लिए आप कहते हैं नीडलेस टू से। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।